तो आजकल तो 1100 देख के लोग कहते हैं 1100 में क्या आएगा, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ 1100 में क्या क्या आएगा। तो आज हमने क्लेवन का फैमिली बॉक्स ऑर्डर किया है मोती नगर क्लेवन ग्रिल। आज हमारा बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो हमने घर पे ही स्विगी से ऑनलाइन ऑर्डर किया है ये 1100 का क्लेवन का फैमिली बॉक्स, जिसमें से मैंने सोचा क्यों ना आपको भी रिव्यूज दे और बताए इज इट वर्थ इट और नॉट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब जरा हम इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या निकलता है और कैसा रहता है। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसा रहेगा, क्या होगा इस बॉक्स। तो सबसे पहले ये रही हमारी सैलेड, अनियंस, टोमेटो, खीरे वगैरह लग गया। और ये रहा हमारा दही भल्ले। अरे वाह, मतलब ये तो बहुत बढ़िया है, साथ में आपको ये भी मिल रहा है, घर बैठे बुफे का मजा मिल रहा है, मतलब काफी सही लगा मेरे को। तो बाकी देखते हैं आगे। तो टेबल हमारा खाने से पूरा सज गया है, भर चुका है। और सही बताऊं, मैंने तो आज अपना ब्रेकफास्ट भी स्किप किया है कि ये मील आएगी तो ये एंजॉय करेंगे आज। और मेरा तो मन कर रहा है वीडियो छोड़ के पहले ये खा लूं, लेकिन आप ही के लिए लाए हैं। तो आइए सर आपको आइटम्स काउंट करवाते हैं और दिखाते हैं क्या क्या मिला है हमें 1100 रुपीज में। तो ये हमारा पनीर टिक्का विथ मलाई सोया टिक्का, ऊपर डिशेज के नाम भी लिखे हुए हैं, देखने में तो सही बहुत बढ़िया लग रहे हैं। हाँ, इसको गर्म जरूर करने की जरूरत है क्योंकि ऊपर लिखा भी हुआ था। और ये रहा हमारा हनी चिली पोटैटो। ओए होए होए, ये रहा हमारा कढ़ाई पनीर। और यहाँ साथ भी मिले हैं दही भल्ले, बहुत ही बढ़िया, जिसमें दो भल्ले के पीसेस हैं हमारे पास। और ये है वेज मंचूरियन विद चिली पनीर, तो ये दो आइटम्स काउंट होंगी। और सैलेड भी दिए साथ में, क्योंकि सैलेड भी उसके। और टोमेटो केचप, अनियंस, और ये रहा मूंग दाल का हलवा। अरे भा, और ऊपर से काजू भी गार्निश किए गए हैं। ये हमारा रायता, रायता मुझे तो सही में बहुत पसंद है वैसे, तो ये काफ़ी अच्छा किया इन्होंने, रायता भी साथ दिया है। और ये रही हमारी हरी पुदीने की चटनी, ये गुलाब जामुन। अरे वाह, ये डेजर्ट तो इन्होंने बहुत बढ़िया दिया यार। ये रहा पनीर बटर मसाला, एंड हेयर वी आर विद दाल मखनी, जो कि हर इंडियन को चाहे कहीं भी जाए दाल मखनी तो ज़रूर ऑर्डर होती है, चाहे शादी में हो या फिर कहीं होटल में हो, दाल मखनी क्यों नहीं, दाल मखनी हर कोई खाता है। और ये रही हमारी ब्रेड्स, इसमें देखते हैं क्या क्या निकलता है। ये रही हमारे तंदूरी परांठे, और इसमें नान भी हैं, मैं तो नान ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आपको क्या ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ मिली है हमें एक लिमका और एक कोका कोला। तो आइए अब जरा स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं और टेस्ट आपको बताते हैं कैसे हैं। सो लेट्स बिगिन विद चिली पोटैटो, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप कैसे लगते हैं? मुझे तो टेस्ट इनका काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी क्रिस्पी भी हैं, जो कि होने भी चाहिए। सो अब जरा स्प्रिंग रोल ट्राई करते हैं। जरा आप चटनी भी ट्राई करते हैं, चटनी का फ्लेवर कैसा है, क्योंकि चटनी भी काफी अच्छा इम्पैक्ट देती है। तो स्प्रिंग रोल्स का टेस्ट भी काफी मुझे अच्छा लगा, और जो चटनी है ये भी मुझे काफी फ्रेश लग रही है, मतलब कोई पुरानी नहीं दी है और काफी फ्रेश लग रही है। और इसका फ्लेवर काफी अच्छा आ रहा है स्प्रिंग रोल्स के साथ भी। और आइए जरा दही के चोले ट्राई करते हैं। तो अभी दही के छोले जैसे मैंने ट्राई किए, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो जहाँ पे हमने फैमिली कैंटीन से दही के छोले खाए थे, तो अगर उससे कंपेयर करो तो साइज में काफी छोटे, मतलब इसके इतने हैं उनके इतने होते थे बाकी। और घर आते आते मतलब हमने ऑनलाइन ऑर्डर की है तो काफी सॉफ्ट भी हो गए अगर आप देखो तो ये मुझे इतने खास नहीं लगे। तो आइए फिर अब जरा हम मंचूरियन ट्राई करते हैं। मतलब ये सब मतलब मुंह में जाते ही खुल गए। तो जरा आप चिली पनीर खाते हैं। और आपको एक और बात बताऊं, ये वाला व्लॉग ना हमारा सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब हमें इसको देख के ना इतना मन कर रहा है खाने का कि हम लोग बार बार ब्रेक ले रहे हैं, मतलब खा रहे हैं। आप लोग देखो मेरी पूरी प्लेट अचानक से खाली हो गई, क्योंकि हम लोगों ने वीडियो को पॉज कर दिया था कि पहले हम खा लेते हैं।
तो यू कैन एक्चुअली मतलब अज्यूम कि कितना अच्छा होगा। तो मैं तो हर बार आपको अपने रिव्यूज देती ही हूँ, तो इस बार ना मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हुई, तो अब मैंने ना अपने रिव्यू स्पेशलिस्ट मेरे पापा को बुलाया है, ये सब चीजें ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कैसा है। तो सबसे पहले तंदूरी रोटी ट्राई की जा रही है दाल मखनी के साथ, और देखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है मुझे तो। अब पापा बताएंगे खाने में कैसी है। सुपर, इसका टेस्ट ऐसा आ रहा है जैसे होता है ना, बड़ी धीमे आंच पे बनी हो और कड़कड़ के बनी हो, मतलब अच्छी उन्होंने 3-4-5 घंटे की पका करके दाल को बनाया, बहुत अच्छी दाल है। टेस्ट करो एक बार आप, बहुत अच्छी दाल है। शाही पनीर की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट बाइट। बहुत बढ़िया ग्रेवी, बहुत बढ़िया। दाल मखनी तो हमारी पास हो गई, शाही पनीर को 10 में से कितने रेटिंग दोगे? शाही पनीर को? हाँ जी 10 out of 10। अरे चलो पास है, मतलब ट्राई करना जरूर बनता है। और इन सभी चीजों की क्वांटिटी को देखते हुए मैं कहूंगी कि 4 से 5 लोग हैं ना, कि 6 लोग भी बड़े आराम से इसको खा सकते हैं। और अगर आपके घर में कभी गेस्ट भी आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे, अच्छी क्वांटिटी में अच्छा टेस्ट मिल रहा है आपको बुफे सिस्टम। तो मेरा तो पेट एकदम फुल हो चुका है, खाने के लिए था ही इतना कुछ वो भी इतना टेस्टी, लेकिन अब खाने के बाद मीठा मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, डिजर्ट तो बनता है। तो दो चीज़ें हैं, लेकिन गुलाब जामुन ज़रूर ट्राई करूंगी मैं, और लेट्स ट्राई। बहुत अच्छा है, बाकी गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन ही है, इसकी क्या ही तारीफ करूँ क्या ही बोलूँ, बट टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो आई वुड गिव दिस डील अ बिग ग्रेट थम्स अप। आप लोगों को कैसा लगा है ऑफर हमें कॉमेंट्स में बताइए, मुझे तो वर्थ इट लगा 11 मिनट के हिसाब से, क्योंकि अमाउंट भी अच्छा है, क्वांटिटी अच्छी है और टेस्ट वाइज भी सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियोज के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस, एंड मीट यू ऑल इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।